दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एग्जाम पास में। मैं राहुल वर्मा, यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं UPSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के रिजल्ट के लिए दोस्तों, कि जितने लोगों ने TA का एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना है दोस्तों। मैं आपको सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा TA से जुड़ी सारी A to Z जानकारी और रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों ये एग्रीकल्चर क्षेत्र में अग्रणी चैनल है जिसके माध्यम से आपको सटीक और सही समय पर एक्यूरेट जानकारी मिलती है, और मैं इस वीडियो के माध्यम से और चैनल के माध्यम से कोई भी ऐसी फेक जानकारी नहीं देता हूं जो आप लोगों को गलत लगे। आप लोग मेरे चैनल पर जाके आप 1 to 8 सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई गलत जानकारी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के रिजल्ट की। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने विभाग का कैलेंडर देखा ही होगा कि विभाग के कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, नवंबर के प्रथम पक्ष में रिजल्ट आने की संभावना है। बट ये नहीं कंफर्म किया जा सकता है कि रिजल्ट नवंबर के प्रथम पक्ष में घोषित ही कर दिया जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि विभाग अब की कई महीनों से अपने महीने की शुरुआत में हर महीने में कैलेंडर जारी कर देता है। उस महीने में जितना भी कार्य होना है उसकी वो लिस्ट तैयार कर लेता है, मगर उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि अक्टूबर में गन्ना पर्यवेक्षक की आंसर की आने वाली थी वो भी नहीं आई, और ऐसे पता नहीं कितना टाइम बीत चुका, TA का रिजल्ट भी नहीं आया। दोस्तों मेरा एक आया है कि अगर 5 नवंबर तक हम लोगों का रिजल्ट ना आया तो 5 नवंबर तक हम लोग एक धरना करने वाले हैं, और जिससे कि हमको दोबारा कोई डेट ना मिल सके और हमारा रिजल्ट टाइम पर घोषित कर सके। क्योंकि दोस्तों अगर कैलेंडर इसका नवंबर का जारी हो गया, अगर हम लोगों ने कोई बात अपनी नहीं आगे बढ़ाई तो वो लोग सोचेंगे कि ये लोग शांति से बैठे हुए हैं और फिर हम लोगों को दिसंबर के प्रथम पक्ष में रिजल्ट आने की संभावना वाला कलर देखने को मिलेगा। पेपर दोस्तों फरवरी में हुआ था, तब से काफ़ी समय हो गया है और रिजल्ट का हम लोग काफ़ी लोग स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा। स्टूडेंट के साथ में काफ़ी मतलब धोखा हो रहा है, स्टूडेंट के साथ में मजाक किया जा रहा है एग्रीकल्चर वालों के साथ में, और विभाग और ना ही सरकार ये कोई भी नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को नौकरी मिल पाए। दोस्तों अगर नौकरी चाहिए तो अपने लिए लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो मैं बात कह रहा हूँ आप लोगों का उसका समर्थन करना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक ही राय है कि अगर 5 नवंबर तक रिजल्ट ना आए तो हम लोगों को एक धरना करना चाहिए, जिससे कि विभाग को ये पता चले कि हम लोग भी परेशान हैं और हम लोगों का रिजल्ट टाइम पर घोषित किया जाए, ताकि ये नवंबर में जो कैलेंडर जारी होने वाला है इसमें हमें अगले महीने में रिजल्ट आएगा ऐसा कुछ ना देखने को मिले, हमारा रिजल्ट इसी महीने में आ जाए। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कैलेंडर में अगर जारी भी कर दिया जाए कि नवंबर में ही रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, तब भी हम लोग कैसे मतलब यकीन करेंगे कि रिजल्ट नवंबर में ही आ जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के प्रथम पक्ष में गन्ना पर्यवेक्षक की आंसर की आने वाली थी। आप सभी लोग साइट पर और सरकारी रिजल्ट दोनों जगह देख सकते हैं कि गन्ना पर्यवेक्षक की आंसर की भी नहीं डाली गई, जिसे अक्टूबर के प्रथम पक्ष में आना चाहिए था, और आज लास्ट अक्टूबर हो चुका है, पूरे अक्टूबर में मतलब गन्ना पर्यवेक्षक की आंसर की नहीं आई है। तो अगर हम लोग अगर अपनी बात आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कैसे हम लोगों का रिजल्ट टाइम पर घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले जब धरना हुआ तब भी विभाग की तरफ से पता चला कि सचिव साहब चाहें तो उसी दिन रिजल्ट जारी कर सकते हैं, या तो पता चला कि सरकार ने आदेश नहीं दिया। तो एक क्या हो रहा है स्टूडेंट के साथ में, खिलवाड़ ही तो हो रहा है। अगर आप लोगों सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।